Welcome back to our YouTube channel. Today we'll discuss post-colonial literature. Post-colonial literature की ये पहली class है, इसमें हम ये देखेंगे introduction, major figure, colonialism क्या है और post-colonialism क्या है और colonizer जो हैं अपनी colonial activities को किस तरह justify करते हैं और उसका effect क्या होता है और उनकी terms के बारे में देखेंगे. So let's start with the introduction. Post-colonialism जो term है उसको हम इस तरह refer करते हैं कि जो colonialism का जो period था उसके बाद के period को हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ का जब डोमिनेंस जो है वर्ल्ड पर से ख़त्म होना शुरू हो गया था या एंड हो गया था तो हम उस वक्त के टाइम को पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं. लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है वो ऑलवेज मेड नहीं की जाती. इसको ये देखा जाता है कि जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है बहुत सारे राइटर्स ने इसका उस वक्त भी उसके बारे में इस वक्त भी लिखा जब यूरोपियन एम्पायर जो है वो डोमिनेंट पे थी या कॉलोनाइजर जो हैं वो डोमिनेंट पे थे. इसको हम क्रिटिकल अप्रोच के तौर पे भी यूज़ करते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ थ्योरेटिकल एंड क्रिटिकल स्ट्रेटजीज यूज्ड टू एग्जामिन द कल्चर, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड सो फॉर्थ ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन एम्पायर्स एंड देयर रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब हम इसमें जो राइटर्स हैं पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो हैं वो थ्योरेटिकल और क्रिटिकल स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं. वो ये एग्जामिन करते हैं कि जो कल्चर है यूरोपियन एम्पायर्स का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, उसको दोनों का कंपैरिजन करते हैं, वेस्ट का और ईस्ट के जो कल्चर है उसको कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं. अगर हम मेजर फिगर्स की बात करें तो इसमें एडवर्ड सईद का नाम बहुत ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उनके ओरिएंटलिज्म थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. उसमें ये वो बताते हैं कि ओरिएंट जो है वो ईस्ट हैं और वो ईस्ट जो है उसके बारे में जो उसका डिस्कोर्स है या उसके बारे में कंस्ट्रक्शन है वो वेस्ट ने की है. वो ये वेस्ट जो है वो ये कहता है कि वो मेल डोमिनेंट हैं और ईस्ट जो है वो फीमेल हैं. तो इनलाइटनमेंट के लिए हमेशा ईस्ट को वेस्ट को ईस्ट के पास जाना पड़ेगा और ईस्ट को ईस्ट हमेशा जो है वो सबऑर्डिनेट है और जो वेस्ट है हमेशा उसे सेव करने के लिए जाएगा. अब इसके अलावा एडवर्ड सईद के अलावा होमी के बाबा, फ्रांस फैनन, गायत्री स्पिविक, जीन वाज भी जो है वो मेजर फिगर के तौर पर माने जाते हैं. वट इज़ कॉलोनियलिज्म? कॉलोनियलिज्म क्या है? कॉलोनियलिज्म डोमिनेंस है स्ट्रॉन्ग नेशन का ओवर द वीकर नेशन, यानी कि एक जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन का वीक नेशन की तरफ जो डोमिनेंस है या इन्फ्लुएंस है उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं. कि एक जो कॉलोनियलिस्ट जो है या कॉलोनाइजर जो हैं वो ये जाते हैं एक ब्रूटल फोर्स की तरह जाते हैं और वो एक्सट्रैक्ट करते हैं मार्केट्स को, रॉ मटेरियल्स को और मैन पावर को कॉलोनाइज कंट्रीज से. तो अब वहाँ पे जब वो उनका डोमिनेंट हो जाता है वीकर नेशन की तरफ तो उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं. लेकिन जो कॉलोनाइजर हैं वो अपनी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ को किस तरह जस्टिफाई करते हैं? कॉलोनाइजर वो होते हैं जो डोमिनेंट करने जाते हैं यानी स्ट्रॉन्ग नेशन की तरफ, और कॉलोनाइज जो होते हैं वो ये होते हैं वीकर नेशन जिसमें कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. इस तरह कॉलोनाइज वो हो गए जो जिन पे डोमिनेंट हुआ है, यानी कि वीकर नेशन, वीकर वन या वीकर नेशन. अब कॉलोनाइजर जो हैं वो जस्टिफाई कैसे करते हैं अपनी डिफेंस में, क्या कहते हैं कि वो अपनी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ क्यों करने जाते हैं? वो ये कहते हैं कि जो कॉलोनाइज्ड हैं वो सर्विस हैं और वो उन्हें अपनी एजुकेशन की नीड है और वो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है. वो ये कहते हैं कि जो कल्चर है कॉलोनाइजर का वो भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, कॉलोनाइजर के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है. और जो कॉलोनाइज नेशन है वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती, अपने आप को रन नहीं कर सकती, अपने आप को उनके पास कोई विजडम नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है. और जो जो उनका रिलीजियस बिलीफ है वो भी इनकम्पेटिबल है कॉलोनाइजर के तौर पे. तो वो जो है वो डेंजरस थ्रेट है कॉलोनाइजर के लिए, कॉलोनाइजर के लिए. इस वजह से अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें या उनको सिविलाइज नहीं करेंगे तो वो एक तरह से थ्रेट के तौर पे हैं, इसलिए हम वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं. इसके बाद अफेक्ट क्या होता है कॉलोनाइजर का, कि जो कल्चर होता है कॉलोनाइज कंट्रीज़ का वो असा एंड की तरफ जाता है. उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाती है, सब्जेक्टिविटी जो होती है कॉलोनाइज की वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है. इसके बाद जो एक तरह से स्टैंडर्ड्स होते हैं वर्ल्ड के वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, एस द वेस्ट स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं. और वो ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं और जो एक तरह से लॉयल्टीज होती हैं ना वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं. इसके बाद अगर हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करें तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि जो राइटर्स हैं वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि जो कल्चरल रिलेटिविज्म है वो हो जाता है कि जो कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के बारे में या उनके कल्चर के बारे में लिखा है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, सोशली, मॉरली और पॉलिटिकली वो बिल्कुल इनकरेक्ट है. अब वो ये कह देंगे जो कॉलोनियल लैंग्वेज है और डिस्कोर्स यूज़ किया है कॉलोनाइजर ने
کولونائز کنٹریز کے بارے میں, وہ بھی ابسرڈ ہے کیونکہ جو انہوں نے ایکسپریشن یوز کیے ہیں یا وہ رینڈرز جو لینگویج یوز کی ہے, نیریٹیوز بنائے ہیں, بلڈ کیے ہیں, وہ بھی بالکل ہی ابسرڈ ہیں. اگر ان کی کیئرفل اسٹڈی کی جائے تو وہ ایک ابسرڈ لگیں گے اور وہ بالکل ہی انکریکٹ ہیں. اب وہ ایمبیویلنس ٹوارڈز اتھارٹی. ایمبیویلنس کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جو مکس فیلنگس ہوتی ہیں نیٹیوس کی طرف اور سیٹلرس کی طرف, اس میں کنفلکٹ آ جاتا ہے. یعنی کہ جو کولونائزرس ہوتے ہیں اور کولونائز جو ہوتی ہیں ان کا آپس میں ایمبیویلنس ایٹیٹیوڈ شو ہوتا ہے, مکس فیلنگ ہوتی ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں. پھر اس کے بعد کولونیل ایلینیشن ہوتی ہے. کولونیل ایلینیشن کیا ہوتا ہے کہ جب جو نیٹیو جو ہوتے ہیں جہاں پہ, یعنی کہ کولونائز جو کنٹریز ہوتی ہیں, وہ اپنے آپ کو ہی اپنی کنٹری میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگ پڑتے ہیں اور وہ یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنٹری ہے وہ ان کی نہیں ہے, یہ نیشن جو ہے وہ ان کی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی نیشن میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی نہیں ہے. اب اگر ہم کی ٹرمس کے بارے میں بات کریں تو ایمبیویلنس کیا ہے؟ ایمبیویلنس یہ ہے کہ مکس فیلنگ جو ہوتی ہے, بلیسنگ اور کرس, یعنی کہ کولونائزر اور کولونائز دونوں کی ایک دوسرے کی طرف مکس فیلنگ ہے. کولونائزر جو ہوتے ہیں وہ کولونائز کو انفیریئر سمجھتے ہیں لیکن ایکزوٹیکلی ادر بھی سمجھتے ہیں, یعنی کہ وہ ایکزوٹیکلی ادر بھی ہیں, یعنی کہ ان کے پاس را مٹیریلس ہیں اور مین پاور ہیں اور وہ ایک طرح سے نیچر کی طرف بہت زیادہ انفلوئنس ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ایمبیویلنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب جو کولونائز ہوتے ہیں وہ کولونائزر کو کرپٹ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈومیننٹ ہیں اور ایڈوانس ہیں. وہ یہ ایک طرح سے ایمبیویلنٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ایلٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ آف بینگ ادر, یعنی کہ جو کولونائزر ہیں اور کولونائز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ادر کے طور پہ ہیں. اسٹڈی آف دا وے ان وچ ون گروپ میک دیم سیلف ڈفرنٹ فرام دا ادر, یعنی کہ ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ سے بالکل ہی ادر ہو, پولیٹیکلی, کلچرلی, لنگوسٹیکلی اور ریلیجلی وہ ایک دوسرے سے الگ ہو تو ہم اسے ایلٹیٹی کہتے ہیں. اس کے بعد ڈایاسپورا, اس میں اے مسنگ ہے وہ آپ لکھ لیجیے گا. ڈایاسپورا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک والنٹری اور انفورس جو مائگریشن ہوتی ہے پیپل کی دیر فرام دیر نیٹیو ہوم لینڈ, یعنی کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈایاسپورا لٹریچر ہے اس میں کوشچن کیے جاتے ہیں مینٹیننگ اور لینگویج کے, کلچر کے, اور ان لوگوں کے جو ایک طرح سے فورس مائگریشن ہوتی ہے ان کی, یا والنٹری مائگریشن ہوتی ہے ان کی لوگوں جو نیٹیو لینڈ سے, یعنی کہ کولونائزر جب جو آ جاتے ہیں کولونائز نیشن پہ تو پھر وہ ایک طرح سے فورس مائگریشن ہو جاتی ہے, لوگ وہاں سے جانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, ان کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ وہاں سے فورس مائگریشن ہو جاتی ہے. اب کولونیل ایجوکیشن کا کیا رول ہے پوسٹ کولونیلزم میں؟ کولونائزر جو ہوتے ہیں وہ اپنی جا کے کولونیل ایجوکیشن دیتے ہیں ایکسپلائٹیشن کے لیے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اگر وہ ایجوکیشن دیں گے اور وہ ایک طرح سے برین واشنگ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کی, اور وہاں پہ وہ یہ جا کے کہتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اور وہ لارجر ایجوکیشن ہے, پاپولیشن ہے وہ انہیں کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ورلڈ ہے کا دیکھنے کا جو رخ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کولونائزر ہیں وہ ایلیٹ کلاس ہیں اور وہ لارجر پاپولیشن ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک طرح سے برین واشنگ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کی. اب اسینشلزم کیا ہے؟ اسینشلزم میں یہ ہوتا ہے وٹنس آف سم تھنگ, ایسنس آف سم تھنگ, یعنی کہ اسینشلزم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پریکٹس ہے ویریس گروپس کی وٹ از اور از ناٹ پرٹیکولر آئیڈینٹی, یعنی کہ ڈفرینس جو دو گروپس کے بارے میں ڈفرینس ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھنے کو, اور جس کی وجہ سے اسٹیٹس کو اور اپٹین پاور جو ہے اس کے ڈفرینسز کو ہم دیکھنے کی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں. اب تو ایتھنیسٹی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا گروپ جس میں ان کے ویلیوز, بلیفز, نام, ٹیسٹ, بیہیویئر, ایکسپیرینس, میموریز اور لائلٹیز جو ہیں وہ ساری سیم ہوں, شیئرڈ ہوں, جس میں جو پرسن ہے اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ایتھنیسٹی یا ایتھنک گروپ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہو, اس کو ہم ایتھنیسٹی کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک شیئرڈ بلیف ہوتا ہے اور شیئرڈ ویلیوز ہوتی ہیں. یہ ایک طرح سے ٹریڈس ہوتی ہیں جو کہ فیوژن آف ٹریڈس ہوتی ہیں جس میں ایتھنیسٹی کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں. ایکزوٹزم کیا ہوتا ہے کہ اسٹیمولیٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ, یعنی کہ جو کولونائزر ہیں جب کولونائز کنٹریز میں جاتے ہیں وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور کولونائزڈ پیپل ہیں وہ انہیں ایکزوٹک کنسیڈر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, ان کی جو نارمل ڈے روٹین ہوتی ہیں, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہیں, اسٹیمولیٹنگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں نارمل اور ٹپیکل بیہیویئر آف یورپین کنٹریز. تو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ افریقن پیپل جو ہیں ایکزوٹک ہیں, ان کے جو بیہیویئر ہیں, اسٹیمولیشن ہیں اور ان کے جو ایکسائٹنگ بیہیویئر ہیں وہ جو ہیں, اور نارمل ڈے لائف اور ٹپیکل بیہیویئر جو ہیں اسٹینڈرڈس ہیں یورپین کنٹریز کے
वो उनसे डिफरेंट है, इसलिए वो एग्जॉटिक है। हेजेमनी का क्या होता है कि पावर ऑफ रूलिंग क्लास कन्विंस द अदर पीपल दैट देयर इंटरेस्ट आर द इंटरेस्ट ऑफ अदर। अब वो ये कहते हैं कि यहाँ से, यहाँ पे हेजेमनी का मतलब ये है कि जो एक रूलिंग क्लास होती है ना, वो दूसरे लोगों को कन्विंस करती है कि जो उनका इंटरेस्ट है वो सबका इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो ये एजुकेशन और मीडिया का मतलब हेल्प लेते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो हेजेमनी है और वो जो जो रोल है, मतलब इंटरेस्ट है, वो सबका इंटरेस्ट एक जैसा है, या पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली जो इंटरेस्ट है वो सबका इंटरेस्ट है। वहाँ पे वो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए इस्तेमाल होगा, उन्हीं के इनलाइटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, कॉलोनाइज पीपल के इनलाइटमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं जो कॉलोनाइज पीपल होते हैं वो ये समझते हैं कि वो इन उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए यूज़ करें। हाइब्रिडिटी, नेक्स्ट इज हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी ये होता है कि दो जो कल्चर हैं उनका क्रॉस कल्चर, यानी दो कल्चर का अमलगमेशन जो है उसको हम हाइब्रिडिटी कहते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो है क्रॉस कल्चर, हम उसे हाइब्रिडिटी कहते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरीली अ पीसफुल मिक्सचर। ये एक डिस्टर्बिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ये एक पीसफुल ना भी हो, लेकिन एक जो है मिक्सचर होता है दो सेट ऑफ बिलीफ का। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है कि इसमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो इंडिविजुअल और ग्रुप की आइडेंटिटी को किस तरह एक्सप्लॉयट करते हैं लोग, और उसको यानी कि स्टैंडर्ड जो कॉलोनाइजर हैं वो किस तरह एक्सप्लॉयट करते हैं उसको भी यहाँ पे देखा जाता है। उसके बाद आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी जो होती है वो सिस्टम ऑफ वैल्यू, बिलीफ और आइडियाज़ होते हैं जो कि एक सोशल ग्रुप जो है वो शेयर करता है, और ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड एज नेचुरल और इनहेरेंटली ट्रू, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। यानी कि एक जो सोशल ग्रुप है उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, सिस्टम ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स और आइडियाज़ जब वो शेयर हो जाती हैं, वो नेचुरली हो जाती हैं, तो फिर उसको हम आइडियोलॉजी के तौर पे कंसीडर करते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है यूरोपियन जो कॉलोनाइजर होते हैं वो अपनी जाके लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और वो उनको अपनी लैंग्वेज कॉलोनाइज पीपल को लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट कॉलोनियल अदर्स जो हैं वो इस इशू पे भी डिबेट करते हैं कि वो जो लैंग्वेज है यूरोपियन लैंग्वेज ही क्यों यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि लोग यूरोपियन लैंग्वेज जो है डोमिनेंट है, जिसकी वो क्यों डोमिनेंट है, और बाकी जो लैंग्वेज है उनको भी सेम स्टेटस ही कंसिडर करना चाहिए। मैजिकल रियलिज़म, मैजिकल रियलिज़म क्या है कि जो मैजिक होता है, मतलब मैजिक और रियलिज्म के जो अमलगमेशन के कॉन्सेप्ट को हम मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो ये समझती हैं कि जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं वो मैजिकल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, और जो यूरोपियन है वो एक तरह से रियलिज्म है, इस तरह से वो ये जो मैजिकल रियलिज्म की अमलगमेशन को भी हम यानी कि सुपर नेचुरल जो हैं और मैजिकल और मिथिकल जो करेक्टर्स हैं वो एसोसिएट करते हैं कॉलोनाइज्ड पीपल के साथ, और वो अपने आप को रियलिस्ट समझते हैं, और वो अपने आप को सब एक तरह से डोमिनेंट समझते हैं। वो ये कहते हैं कि वो एक डोमिनेंट वर्ड में रह गए। अब मैपिंग क्या है, मैपिंग है ऑफ ग्लोबल स्पेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म वाज एज अ मच पर्सपेक्टिव एज इट वाज डिस्क्रिप्टिव। यानी वो ये समझ मैप जो है वो यूज़ किए जाते हैं, क्लेम किए जाते हैं बाउंड्रीज के, नेशन की बाउंड्रीज पे, लेकिन जो कॉलोनाइजर हैं वो अपनी एक तरह से जो कॉलोनियलिज्म के लिए जब जाते हैं तो वो जो कॉलोनीज बनाती हैं वो भी अपने ही अंडर कंसीडर करते हैं, और वो मैपिंग बना देती हैं, बाउंड्रीज जो हैं वो डिस्टर्ब कर दी जाती है। अब मेटा नरेटिव्स क्या होते हैं कि नरेटिव्स अबाउट नरेटिव्स, यानी कि एक ग्रैंड एक माई स्टोरी होती है, एक तरह से अगर एग्जाम्पल ले लें कि एक मेरी स्टोरी है और एक आपकी स्टोरी है, अब एक अवर स्टोरी है, फिर उसके बाद एक गॉड की स्टोरी है, इस तरह से एक नरेटिव के बाद दूसरा नरेटिव और तीसरा नरेटिव जब बनता जाता है तो उसको हम मेटा नरेटिव कहते हैं, नरेटिव्स अबाउट नरेटिव्स, एक के बाद एक नरेटिव। तो जो है कॉलोनाइजर जो होते हैं वो नरेटिव्स बनाते जाते हैं कॉलोनाइज के लिए, और कॉलोनाइजर जो है वो जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में कॉलोनाइज जो पीपल हैं वो उन नरेटिव्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और उनको इनकरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि जो कॉलोनाइज पीपल ने या कॉलोनाइजर्स ने उनके बारे में नरेटिव्स बनाए हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट हैं। अब क्या है मिमिक्री, यानी कि जब कॉलोनाइजर जो है वो चले जाते हैं अपनी लेवल्स अपने कॉलोनाइजर एक्टिविटीज से या एक्सप्लॉयटेशन करने के बाद, तो एक रिस्पांस होता है मिमिक्री का। मिमिक्री क्या होती है कि जब जो कॉलोनाइजर की जो एजुकेशन होती है, लैंग्वेज होती है, क्लॉथिंग होती है, उनकी एडॉप्टेशन को भी हम मिमिक्री कह सकते हैं।
یعنی کہ جب جب کوئی کولونائزر اپنی ایکٹیویٹیز کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے لیول اس کے بعد بھی اس کو یعنی کہ اس کے اڈاپٹیشن کو ان کے کلچر کے اڈاپٹیشن کو بھی میمکری کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اف یو لائک دس ویڈیو شیئر اینڈ سبسکرائب.